Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and I welcome you all to Aditya Education. Today we are going to study lesson number 8, that is wake up. ठीक है, इस lesson का जो नाम है वो है wake up, मतलब उठ जाओ. तो अब देखो इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे आपको एक poem दी गई है जिसका नाम है wake up, मतलब उठ जाओ. इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको हमेशा ही ना बहुत जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह उठोगे ना तो सब लोग उठ जाए रहते हैं, बहुत ही जो आपका दिन है वो बहुत ही अच्छा होगा. आप लोग आराम से बैठ सकते हो, सुबह जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ सुन सकते हो. ठीक है, आपके पास टाइम बहुत रहता है जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपके पास पूरे दिन का टाइम रहता है. आप खेल सकते हो, आप घूम सकते हो, आप पढ़ सकते हो, और जो भी आपको करना है आप कर सकते हो अगर आप जल्दी उठो. तो हमेशा जल्दी उठना चाहिए, और इसी पे एक पोयम है जो कि यहाँ पे दी गई है. तो पोयम का नाम है वेक अप, और इसे लिखा गया है सी फ्लेचर द्वारा. तो मैं इस पोयम को पढ़ूंगी और फिर साथ साथ आपको समझाते जाऊंगी. तो देखो, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम टू प्ले. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the sheep, horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, 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 wake up. तो ये थी हमारी poem, ठीक है? तो देखो क्या बोल रहे हैं. Wake up, it's a lovely day. जल्दी उठ जाओ, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है, ठीक है? आज का दिन बहुत प्यारा है. Oh, please get up and come to play. जल्दी से please उठ जाओ और फिर आ जाओ खेलने के लिए. ऐसा ये सी फ्लेचर कहना चाह रहे हैं कि जो दिन है बहुत ही अच्छा है, इसलिए जल्दी से बेड से उठो और उसके बाद फिर बाहर आओ, बहुत प्यारा दिन है, उठ जाओ और ताकि हम लोग खेलें यहाँ पे. फिर द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो चिड़िया है वो ट्रीज पे बैठ के गाने गा रही हैं. वो साउंड करती है ना, जो बहुत ही प्यारा लगता है, सुबह सुबह साउंड करती हैं, देखना. तो वो साउंड कर रही हैं ट्रीज में बैठ के, गाना गा रही हैं. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप क्या सुन सकते हो, तो बीज को एक साउंड निकालते हैं, ज़ वाला साउंड आता है ना बी से, जो मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं वो ज़ वाला साउंड निकालती है, तो वो भी हो रहा है. वेक अप, इट्स अ लवली डे. तो जल्दी से उठ जाओ आप सभी, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, ठीक है? तो ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले. तो जल्दी से उठ जाओ और आओ और फिर हम लोग सब खेलते हैं, ठीक है? इतने सुबह सुबह जब सारी चीज़ें हों, बर्ड्स जो है वो गाना गा रही हो, बी जो है जो इधर से उधर घूम रही हो, सुबह का मौसम हो बहुत ही अच्छा, तो उसमें खेलने में भी तो मज़ा आएगा ना. तो इसीलिए वो कह रहे हैं जल्दी उठो और उसके बाद खेलने आ जाओ. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड. अब बिस्तर में लेटे रहने के लिए बहुत लेट हो गया है, तुम बहुत देर से बिस्तर में लेटे हुए हो, उठ जाओ, ऐसा वो बोल रहे हैं. सो हरी अप यू स्लीपी हेड, इसीलिए जल्दी से उठ जाओ. यू स्लीपी हेड, स्लीपी हेड उसे कहा जाता है जो कि ना इतने नींद में होते हैं और आप कुछ भी बोल रहे हो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को स्लीपी हेड कहा जाता है. आपकी बात पे ध्यान नहीं देते क्योंकि वो बहुत नींद में होते हैं. फिर वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, जल्दी से आप अपने आप को वॉश करो, ड्रेसअप हो जाओ, मतलब कपड़े पहन लो, नहा लो, और उसके बाद फिर बाहर आ जाओ. आज का दिन इतना सुंदर है. एवरी वन इज़ अप एंड अबाउट, हर कोई उठ गया है और अपने अपने काम में बिजी हो गया है, इसीलिए आप भी जल्दी से उठो, नहाओ और ड्रेसअप हो जाओ और बाहर आ जाओ, ऐसा पोएट कह रहे हैं. फिर द काउ द हॉर्सेस द डक्स एंड द शीप, जो काउ है वो भी घूम रही है, हॉर्स भी घूम रहे हैं, डक्स भी घूम रहे हैं और शीप भी घूम रहे हैं. सुबह सुबह सब लोग इधर से उधर करते रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग जो है सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही अच्छा होता है. एक पूरे लोग जो है उठ जाते हैं, बर्ड्स का आपको साउंड आएगा, कॉक का आपको साउंड आएगा, कुकड़ुकू वाला, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं सुबह.
द टाइनीस्ट चिकन चीप चीप चीप, और जो छोटा सा चिकन होता है वही कॉक जो है हम कहते हैं, वो टाइनीस्ट छोटा सा जो चिक होता है वो भी चीप चीप करके साउंड करने लगता है सुबह सुबह। तो आप भी जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि जब सब उठ गए हैं आपको भी उठ जाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ही प्यारा दिन है, ऐसा सी फ्लेचर जो है वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन वेक अप। ठीक, अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।